बिग बॉस 16 से मशहूर हुई अर्चना गौतम ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता दिवस की यादें शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे वो इस आज़ादी दिवस को अपने स्कूल में मनाया करती थीं। वही मैंने जैसे बोला था कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो सिर्फ एक समोसा और एक बूंदी और एक फ्रूटी के लालच में जाते थे। वो इसलिए बोलूँ जब हमको गाना मिलता था, यानी हमको डांस करना है, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, तो उस पर तो हम जाते ही जाते थे। बट जैसे कि कभी मेरे हिस्से में नहीं आया तो कभी कभी मूड भी नहीं होता था जाने का, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का नहीं होता था। तो फिर मम्मी कहती थी कि नहीं बेटा जा जा, बूंदी के लड्डू मिलेंगे और समोसा मिलेगा और एक फ्रूटी मिलेगी। तो उस लालच में क्या होता है, हम छोटे बच्चे थे तो उस लालच में हम लोग स्कूल जाते थे 15 अगस्त पे। तो वो मुझे आज याद आ गया कि मतलब लाइक वो एक क्रेज होता है देखने का। फिलहाल अर्चना खतरों के खिलाड़ी 13 में नजर आ रही हैं। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में अपने सफर के बारे में बात करते हुए अर्चना ने बताया कि देखो जिस तरह से बिग बॉस में भी लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, मेरा एक अलग ही अवतार था। और अभी जैसे खतरों के खिलाड़ी में कर रही हूँ तो मेरा एक अलग ही अवतार है। कुछ लोगों ने सोचा था कि मैं स्टंट नहीं कर पाऊँगी, बट अभी जब देख रहे हैं मेरे सारे स्टंट मैं अच्छे कर रही हूँ, तो लोगों को एक मोटिवेशन हो रहा है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट मैं हर लड़की को बोलना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि ये काम या स्टंट टफ है, आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। तो बस मैंने स्टंट किए और मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं, अच्छी तारीफें हो रही हैं, तो मुझे बहुत खुश हो रहा है।